हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस राज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा एक एप्लीकेशन वायरल हो रहा है जिसका नाम है फेस ऐप। जी हाँ दोस्तों, फेस ऐप। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी व्यक्ति को ओल्ड बना सकते हैं, यानी कि बूढ़ा बना सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन बड़ा ही तेज़ी से यूज हो रहा है, तो हम बताते हैं कि किस एप्लीकेशन की मदद से यह हो रहा है। तो आप जो हमारे होम स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा आपको फेस ऐप, यह प्ले स्टोर में आसानी से उपलब्ध है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको यह किस प्रकार वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले अपना नेट ओपन कर लें, क्योंकि यह एप्लीकेशन जब भी वर्क करता है आपका नेट ऑन होना चाहिए, तभी आपका यह एप्लीकेशन वर्क करेगा, ऐसे नहीं करता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यह एप्लीकेशन की खास बात और खासियत क्या है। इन दिनों आप हर एक्टर और क्रिकेटर या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज का हीरो या हीरोइन या फिर खिलाड़ी हो, उसको ओल्ड बनाया जा रहा है उनकी फ़ोटो को। तो चलिए हम दिखाते हैं, तो वह है इस ऐप का कमाल। तो चलिए इस ऐप्स की मदद से आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेस ऐप। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ चुका है फ्रेंड्स गैलरी का। तो यहाँ पे मैंने एक विराट कोहली का पिक्चर है, तो चलिए हम विराट कोहली का पिक्चर ले लेते हैं और हम इसको ओल्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर आपको क्लिक करना है। एज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओल्ड वाला सेलेक्ट करना है। ओल्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं विराट कोहली का पिक्चर्स ओल्ड हो चुका है और आप इसको फनी भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको एडिट करके बना सकते हैं और यहाँ पे आप जो यहाँ पे सेव इसको कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। यह बेस्ट एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, आप किसी को भी ओल्ड बना सकते हैं और इसकी हानि ज़बरदस्त है। आप इसमें फ़ोटो एडिट करते हैं तो यह एप्लीकेशन आपकी डाटा को इंस्टॉल कर लेता है, आगे चल के इसमें बहुत ही रिस्क है। तो इस एप्लीकेशन का आप ऐप का यूज मत कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।